स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू मैथ्स। स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 4, फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, योर चैप्टर नंबर 4 इज फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन मीन्स होता क्या है? फ्रैक्शन अगर इसकी हम डिफिनीशन की बात करें तो अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, जो फ्रैक्शन होता है बेटा वो क्या होता है, बोलिए? वो एक होल का पार्ट होता है। कैसे, बताते हैं। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। जैसे हम बात करें बेटा, ये मान लीजिए एक एप्पल है। क्या है? एक एप्पल है। ओके स्टूडेंट, ये क्या है? एक एप्पल है। अब इस एप्पल को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बोलिए। इसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया। अब एप्पल क्या है बेटा? पूरा होल है। ठीक है, एप्पल क्या है? पूरा होल है ना। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है बेटा? दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ना। तो नीचे आप टू लिख दीजिए। इस वाले पार्ट को हम क्या कह सकते हैं? ए बाई टू। बोलिए भाई, एक एप्पल था या इसको हम ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो अब इसको हम क्या 1/2 कह सकते हैं और प्लस 1/2 कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 2। तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा बेटा? 1। ओके, मतलब क्या है कि यही जो 1/2 है ना बेटा, यही हमारा फ्रैक्शन, मतलब होल पार्ट को। देखिए, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल इफ अ होल क्वांटिटी इज डिवाइड इनटू बी इक्वल पार्ट्स। बी इक्वल पार्ट्स, देखिएगा, इसको हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, किया था। आगे चलिए, इफ वी कंसीडर अ पार्ट्स आउट ऑफ द बी इक्वल पार्ट्स, वी रिप्रेजेंट इट एज ए अपॉन बी, रीड एज ए अपॉन बी। ये ए अपॉन बी, ये सब हमारे क्या है, बोलिए क्या है? इसे हम वेरिएबल मानते हैं, ए अपॉन बी को। ठीक है, देखिए यहाँ रीड एज ए अपॉन बी, ए डिवाइड बाई बी, ए आउट ऑफ बी और ए बाई बी, इस तरीके से इसको हम रीड कर सकते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, थर्स्ट ऑफ फ्रैक्शन एफ वन इज इक्वल ए अपॉन बी। जैसे एक एप्पल था बेटा, अभी मान लीजिए यही एक एप्पल है। ठीक है, यही एक एप्पल था, ए एप्पल। ठीक है, अभी इसको हमने दो इक्वल पार्ट्स में इंटू बी इक्वल पार्ट्स, ये भी बी ये भी बी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, इसको हम क्या नोट कर सकते हैं, बोलिए? ए अपॉन बी और ये ए अपॉन बी, रिप्रेजेंट ए पार्ट्स आउट ऑफ बी, ए पार्ट आउट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट, हेयर द न्यूमरेटर इज रिटन अबव द डिवीजन लाइन एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्ट्स बीइंग कंसीडर्ड इज कंपेरिजन विद द होल। ओके स्टूडेंट, कंसीडर इन कंपेरिजन विद द होल, दैट इज द डिनोमिनेटर बी विच इज रिटन बिलो द डिवीजन लाइन। ओके स्टूडेंट, देखिए बेटा, अब बात करते हैं, ये तो आपकी फ्रैक्शन हो गई। मान लीजिए कोई भी ये मान लीजिए एक क्या है, एक क्या है, मान लीजिए एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? टू पार्ट में डिवाइड किया, 1 और 1, या फोर पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो 1 2 3 4, है ना, सबको 1, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। फोर पार्ट्स में डिवाइड किया तो 4 पार्ट लिख दिया हमने। और इस वाले अगर पार्ट को हम बोलेंगे तो ये क्या होगा? 1/4 होगा,
बोलो, ये 1/4 होगा, क्लियर हो रहा है नहीं क्लियर हो रहा है? चलिए अब ये 1/4 होगा, इस वाले पार्ट को हम देखेंगे तो ये 1 था ना, टोटल कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4 पार्ट हैं, जितने पार्ट में डिवाइड करेंगे या जितनी बार में डिवाइड होगा उसे नीचे लिखेंगे, और जो पार्ट उसमें से लेंगे उसे हम क्या कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ओके बेटा, तो अब ये 1/4 ठीक है, 1/4, 1/4 में क्या करना है, अब हमें ये समझना है कि ऊपर और नीचे और इसे क्या बोलते हैं। तो जो बेटा ऊपर वाला नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, और इस वाली जो लाइन को बोलते हैं बेटा अपॉन बोलते हैं, ठीक है, या बाई बोलते हैं, और या फिर डिवाइड बाई आउट ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। तो न्यूमरेटर भी क्लियर हो गया, डिनोमिनेटर भी क्लियर हो गया, अपॉन बाई, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है, 1/4, इसको हम रीड कर सकते हैं। ओके बेटा, अब ये आपको फ्रैक्शन क्लियर हुआ कि नहीं, अभी बताइए फ्रैक्शन क्लियर हुआ कि नहीं। यही जो 1/4 है ना बेटा, यही हमारा क्या है, फ्रैक्शन, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है, देखिए जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है बेटा वो कितने टाइप का होता है, एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके बेटा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन समझ लीजिए कि व्हेन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज नोन एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। व्हेन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज नोन एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब हम कह सकते हैं कि जब न्यूमरेटर स्मॉलर होगा डिनोमिनेटर से, देखिए ये एक डिवाइड का साइन है, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया। अब ये जो न्यूमरेटर है बेटा डिनोमिनेटर से स्मॉलर है कि नहीं, देखिए 4 स्मॉलर देन 7 है कि नहीं, है। तो व्हेन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज नोन एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन तो हो गया, अब अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, इम्प्रॉपर तो बस अगर डिनोमिनेटर स्मॉलर हो जाए, मीन्स व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, मतलब क्या, अगर 7/4 हो जाए तो न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 4 है, ओके बेटा, न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, तो 7/4, अब 7 इज ग्रेटर देन ना 4, तो 7 ग्रेटर है। अब अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा तो यही हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन की, किसकी, मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंटेड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन विच हैव एन इंटीग्रल पार्ट एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब वही जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना बेटा उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जैसे अभी ये 7/4 है ना, देखिए 7/4 है, हमने क्या कहा था कि 7 इज डिवाइड बाई 4, तो 7 इज डिवाइड बाई 4, यहाँ पे 7 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 बन जा 4, तो रिमाइंडर क्या आया, 3 आया, बोलिए। अब ये जो रिमाइंडर है ना बेटा उसे हम कहाँ नोट कर देंगे, जो रिमाइंडर है बेटा उसे हम कहाँ, ऊपर, और कितने टाइम में डिवाइड हुआ है, 1 टाइम में, 1/4, देखिए अब ये आपका क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, क्लियर, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। कैसे कि 4 बन जा 4, और 4 में प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। अब ये जो न्यूमरेटर है ना बेटा,
उसे ऐड करते हैं, उसके बाद इसे रीड कैसे करेंगे, 1 and 3/4 इसे रीड कैसे करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को, 1 and 3/4 ठीक है। उसके बाद 2 and 2/3 क्लियर। देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 2 6 और 2 8/3 क्लियर। तो ये मिक्स फ्रैक्शन भी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं निगेटिव फ्रैक्शन कि निगेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। ओके बेटा, निगेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए ये सारे जो आप पढ़ रहे थे वो तो पॉजिटिव फ्रैक्शन थे है ना। तो बेटा देखिएगा, जस्ट एज निगेटिव इंटीजर्स लाई टू द लेफ्ट ऑफ जीरो एंड द नंबर लाइन, निगेटिव फ्रैक्शन आल्सो लाई टू द लेफ्ट ऑफ जीरो। जैसे हमारा कहाँ पे होता था भाई, नंबर लाइन में आप निगेटिव में जाते थे, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी है कि मान लीजिए कोई नंबर लाइन है ठीक है, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये वन हो गया और ये क्या हो गया, टू हो गया, जीरो वन एंड टू, वन एंड टू। ओके बेटा, ये हमारा क्या हुआ, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी हमने क्लियर। अभी हमें ये समझना है बेटा कि निगेटिव फ्रैक्शन कैसे नोट करते हैं। तो चलिए ये बताइए, अगर हम बात करें 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 and 5, ये 5 है, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल यहाँ कितनी लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 लाइन है, मतलब यहाँ पे 10 आ रहा है। अगर हम इस वाले पार्ट को देखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, इस वाले पार्ट को अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 5/10 लिखेंगे, बोलिए। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी बेटा 1, 2, 3, 4 and 5 सॉरी नंबर यहाँ पे लाइन जो है कम है, कोई बात नहीं, हम इसको 2 के इक्वल मान लेते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10 2 के इक्वल मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है बेटा। तो चलिए अब क्या करना है, 6 अगर हमें लिखना है इसे तो टोटल कितने हैं, 10 हैं, माइनस का 1 माइनस का 2, तो माइनस का 10 अपॉन, क्योंकि माइनस में है तो सब माइनस में ही होगा, माइनस का 10 अपॉन, अगर इस वाले पार्ट को लिखना है तो माइनस का 6 लिखेंगे, बोलिए। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 3 + 6, 2, 5 + 10 3/5 देखिए, कोई प्रॉब्लम। तो ये हमारे निगेटिव फ्रैक्शन है। अब अगर हम आगे बात करें बेटा तो सिंपल फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, चलिए इसको भी देख लीजिए कि सिंपल फ्रैक्शन कहते किसे हैं। तो देखिएगा, अ सिंपल फ्रैक्शन इज वन इन विच द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स। ओके बेटा, अ सिंपल फ्रैक्शन इज वन इन विच द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स, मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर होगा ना वो पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे हम यहाँ देखेंगे 1/3, तो ये सब हमारे सिंपल फ्रैक्शन है, 3/7 और -5/9 ये सब हमारे क्या है, सिंपल फ्रैक्शन है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन पे। कुछ फ्रैक्शन ऐसे होते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब उसमें कई फ्रैक्शन होते हैं। जैसे एक है, अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इज वन इन विच द न्यूमरेटर द डिनोमिनेटर और बोथ आर फ्रैक्शन, मतलब उसमें भी फ्रैक्शन होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन होता है हमारा। जैसे अगर हम बात करें इस वाले नंबर को, 3/5 और अपॉन 2, न्यूमरेटर क्या है 3/5, डिनोमिनेटर क्या है 2। देखिए न्यूमरेटर भी हमारा एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर तो चलिए हमारा नंबर है ही है। एक एग्जांपल और लीजिए कि 1/5 और 2/3, तो बेटा ये हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है क्लियर।
और इस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को अगर हमें सॉल्व करना है ना तो कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। जैसे इस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को हमें क्या करना हो कि सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, इस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को अगर हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो जो न्यूमरेटर है बेटा 1/5 है ना न्यूमरेटर, नोट कर दीजिए, कर दिया। अब ये 1/5 डिवाइड 1/5 को डिवाइड कर रहा है ना 2/3, बोलिए तो आप क्या कर दीजिए, या तो डिवाइड 2/3 कर दीजिए और या तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 कर दीजिए, बोलिए कोई प्रॉब्लम। और देखिए 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, तो 3/10 आपका क्या हो गया, बोलिए 3/10 क्या हो गया, देखिए सिंपल फ्रैक्शन हो गया कि नहीं हो गया, और 3 हमारा न्यूमरेटर 10 हमारा डिनोमिनेटर, बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा है ना, बोलिए क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे हम बात करेंगे, चलिए देखिए ये तो क्लियर हो गया ना। कभी कभी क्या होता है कि ये सिंपल फ्रैक्शन का ही फ्रैक्शन होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, एक इस टाइप का भी एग्जांपल हो सकता है 3 and 1/2 upon 1 and 1/3। ओके स्टूडेंट, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करेंगे, सिंपल में करेंगे, 2 3 जा 6 और 1 7/2। ओके बेटा 3 1 जा 3, 3 और 1 4 4/3। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये इस अकॉर्डिंग हो गया, तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं 7/2 मल्टीप्लाइड बाई ये 3 हमारा ऊपर हो जाएगा 4 हमारा नीचे हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा 7 3 जा 21, 2 4 जा 8, और ये हमारा देखिए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ओके बेटा, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की, और वो होगा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके बेटा, क्या होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है बेटा, जैसा कि नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, इक्विवेलेंट का मतलब उसके बराबर। जैसे हम बात करें आपका जो एक हैंड है वो भी दूसरे हैंड के इक्विवेलेंट है, बोलिए कैसे, आपके एक हाथ में भी 5 फिंगर्स हैं दूसरे हाथ में भी 5 फिंगर्स हैं, है ना, बोलिए है कि नहीं है, तो इक्विवेलेंट हो गया। जैसे अब चलिए हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, देखिए जैसे ये हमारा क्या है, एक बॉक्स है या एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, बोलिए तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 4 पार्ट में डिवाइड किया, और ये वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, शेडेड कर दिया, बोलिए ये वाला पार्ट हमने शेडेड कर दिया, और यहाँ पे एक पार्ट शेड किया था ना, यहाँ पे दोनों पार्ट शेड कर दो, ठीक है, बोलो 2 पार्ट शेड किया है ना यहाँ पे, एक ही पार्ट शेडेड किया है, तो यहाँ पे आप 2 पार्ट शेड किए, तो 2/4 लिख दीजिए, क्लियर बेटा। अब एक स्क्वायर और बना लेते हैं, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग बेटा, इसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया, और 6 पार्ट में से हमने क्या किया, 3 पार्ट शेडेड कर दिया, ये 3 पार्ट हमने शेडेड कर दिया, तो कितने पार्ट शेडेड किए हैं बेटा, 3, और कितने पार्ट थे 6। हमें क्या बताना है बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो बेटा ये हमारा इक्विवेलेंट ही है, क्यों, क्योंकि हाफ पार्ट यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, सॉरी हाफ पार्ट यहाँ पे भी शेडेड हो रहा है, और यहाँ पे भी हाफ ही शेडेड हो रहा है, और यहाँ पर भी हाफ शेडेड हो रहा है, कैसे, इस 2/4 को हम लिख सकते हैं कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, बोलिए इसकी वैल्यू 1/2 हो सकती है, बोलिए इसकी वैल्यू 3 1 जा 3 3 2 जा 6, इसकी भी वैल्यू 1/2, और ये 1/2 तो है ही है, तो बेटा ये सब हमारे क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, बोलिए है या नहीं है, बोलिए है ना। तो चलिए अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बनाना है, जैसे हम यहाँ देखते हैं
कि ऑल द अबव इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट वन हाफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर. इक्विवेलेंस ऑफ द फ्रैक्शन कैन बी वेरीफाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. कैसे हम कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ द क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/7 आर गिवन बिलो. जैसे हम बेटा बात करें, हमें कोई नंबर होगा, जैसे एक नंबर है 2/7, इसके हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए. क्या 5 चाहिए या 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए? 3 चाहिए. तो 3 अगर इक्विवेलेंट चाहिए तो अगर 1 से करेंगे तो सेम ही होगा. तो क्या कर लें हम, 2/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है. फिर 2/7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 को भी 3 से, 7 को भी 3 से. फिर 2/7 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें. देखिए अब क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी? नहीं. 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28. बेटा ये जो 2/7 का इक्विवेलेंट 4/14 भी है, 2/7 का 6/21 भी है, 2/7 का 8/28 भी है. चलिए सर कैसे है, अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, अब हम डिवाइड कर देते हैं 4/14 को. भाई क्या किससे जाएगा ये? ऊपर भी इवन है, नीचे भी इवन है, और इफ़ द लास्ट डिजिट इज 02468 सो इट इज डिविजिबल बाई 2. सो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14. देखिए 2/7 आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए आ गया ना, बोलिए बोलिए आ गया ना. अब 2/7 यहाँ पे ऊपर 6 है नीचे 21 है, और आपको यहाँ पे देखना है 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, तो ये तो 3 से डिवाइड होगा और 21 भी 3 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21. ये 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, सॉरी 2/7. तो देखिए 2/7 इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए इक्वल हो गया ना. तो यही बेटा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. इसके कुछ एग्जांपल्स आएंगे बेटा, कि जैसे आपको दिया हो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फिल इन द बॉक्सेस टू मेक 3/5 इक्विवेलेंट टू न्यूमरेटर 35. न्यूमरेटर में हम क्या फिल करें जो इक्वल हो जाए? अब देखिए 5 और 35 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया जो 35 आ गया, कैसे करेंगे? तो देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 20, 5 5 6 जा 30, 5 7 जा 35. डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 7 से ना. 3/5 में डिनोमिनेटर में हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 7 से. तो बेटा न्यूमरेटर में भी तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 3 जा हमारा क्या हो जाएगा? 21, और ये हमारा 35, और यही तो हमको फिल करना था बेटा, बोलिए. तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा बेटा, आप इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर लीजिएगा. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. मतलब किसी भी फ्रैक्शन को हम क्या कर लें, रिड्यूस कर लें, छोटा कर लें, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में. ओके चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं. पहले यहाँ समझ लीजिए, अ फ्रैक्शन मे बी रिड्यूस टू इट्स सिंपलेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म हैविंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन लोवेस्ट टर्म. ओके बेटा, दिस कैन बी डन बाई 2 मैथड एज इलुस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल. 2 मैथड से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इनको क्या कर सकते हैं, 2 मैथड से इन्हें क्या कर सकते हैं हम, सिंपलेस्ट कर सकते हैं. एक तो मैथड फर्स्ट होगा हमारा, एक्सप्रेस द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स और कैंसल आउट द कॉमन फैक्टर्स. ओके बेटा, एक तो हम इसका प्राइम फैक्टर निकाल लें, जैसे हमारा 384 है और एक नंबर है 448. इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे बेटा, तो करके देख लीजिएगा आप, ठीक है, या कर देते हैं हम, चलिए कर देते हैं. 384 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, ठीक है. फिर 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16,
फिर 2 से 2 2 जा 4 2 4 जा 8 फिर 2 से 12 2 से 6 2 से 3 और ये 3 बन जा। ओके बेटा 384 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 सेवन टाइम है ना तो 3 4 5 6 एंड 7 448 का भी आप क्या कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 14 2 7 जा और 7 1 जा। इसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितने टाइम टू 1 2 3 4 5 6 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 इंटू 7। देखिए सबसे पहले हमने जो हमारा मेथड है लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करने का वो पहला है कि इसको हम क्या कर लें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, उसके बाद कैंसिल आउट कर दें जो कॉमन हो, जैसे ये 2 कॉमन है कैंसिल, ऊपर भी 2 कॉमन है कैंसिल, यहाँ भी 2 क्लियर, ये भी ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, और कोई 2 कैंसिल हो रहा है नहीं तो 2 3 जब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू 3 इज इक्वल 6 और ये 7 तो 6/7 हमारा क्या हो गया 6/7 हमारा क्या हो गया बेटा 1। रिड्यूस कर लिया हमने सबसे लोवेस्ट टर्म में, क्लियर, तो आप इसे अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है बेटा, दूसरा मेथड है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, क्लियर, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ। देखिए बहुत ही इजी तरीका है कि एचसीएफ कर लें हम किसका, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, और फिर उसी से डिवाइड कर दें जो आंसर आएगा लिख देंगे। जैसे अब इसी नंबर को हम क्या करें 384 और 448 का क्या कर लीजिए आप 384 और 448 का क्या कर लीजिए HCF फाइंड कर लीजिए। HCF कैसे फाइंड करते हैं 384 से 448 में क्या कर दीजिए डिवाइड वन टाइम में, क्लियर, 64 से 384 को डिवाइड करेंगे तो आपका कितने टाइम में बोलिए कितने टाइम में 384 से हमने डिवाइड किया, चलिए 64 5 जा या 66 6 जा, हाँ 66 6 जा तो 6 टाइम में 64 जा 24 4 लिख दिया 2 कैरी 66 जा 36 36 और 2 38 कैंसल आउट। अब देखिए जो आपका एच सी एफ आया 384 और 448 का वो क्या आया 64। अब इन्हीं दोनों नंबर को 384 को और 448 को डिवाइड कर दीजिए आप 64 से। अब इसको आप 64 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा 6 टाइम में, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे 64 से 448 को तो ये कितने टाइम में जाएगा 7 टाइम में। अब इसमें से देख लीजिए बेटा जो आपका इजी है उसको आप कर ले सकते हैं। तीसरा एक मेथड और है बेटा, हम आपको बता दें तीसरा एक मेथड और है 384 और 448। देखिए 384 448 लोवेस्ट टर्म में लिखना है ना, देखिए 2 से तो ये डिवाइड हो जाएगा कन्फर्म है, क्या 4 से भी डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, बोलिए 4 से आप डिवाइड कर लीजिए तो 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 96/112। अभी भी ये 4 से डिवाइड होगा, क्या ये 8 से भी डिवाइड होगा,
चेक कर लें, 8 से भी चेक कर लें, 8 1 8, 8 2 16, 8 1 8, 8 4 32, मतलब 8 से भी डिवाइड होगा क्या ये? देखिए अगर 8 से होगा तो इसी से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो 8 2 16, मतलब क्या 16 से डिवाइड होगा? तो 16 से भी कर लीजिए, तो 16 6 96, 16 7 112, मतलब आप क्या कर दीजिए किसी नंबर से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। क्लियर? बोलिए क्लियर हो गया ना? तो ये तो था बेटा रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, दो मेथड ये था, तीसरा मेथड हमने बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन, फिर उसके बाद कंपेयरिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज। तो चलिए देखते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन होता कैसे है। तो सिंपल है बेटा, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, ठीक है, वेयर एज फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर रिफर्ड एज टू अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर बेटा? देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसे। टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर एंड देन, देखिए लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, जैसे आपसे कहा गया कि फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। जैसे हम बात करें सेम डिनोमिनेटर की ना, सेम डिनोमिनेटर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें कि 6/24, 8/24, 9/24, तो देखिए फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। तो देखिए सेम डिनोमिनेटर है सबके, तो ये हमारे लाइक फ्रैक्शन है। अगर सेम ना होते, मान लीजिए ये 24 होता, 6/24, और ये होता हमारा, मान लीजिए ये हमारा होता 4/12, और ये हमारा होता 3/8, तो क्या ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है? नहीं है। अब इस लाइक फ्रैक्शन को हम क्या करें, अनलाइक फ्रैक्शन, सॉरी, इस क्या ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है? नहीं है, तो ठीक है अनलाइक फ्रैक्शन है। अब इस अनलाइक फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बोलिए लाइक फ्रैक्शन को हमें अनलाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? चलिए, टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर एंड देन कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शन टू देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर। ओके बेटा, तो चलिए हम क्या करें कि इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लें। क्लियर? इन तीनों नंबर के एलसीएम निकाल लीजिए या एग्जाम ले लीजिए। तो 8, 12 और 24 का जब हम एलसीएम निकालेंगे बेटा, तो 4 2 8, 4 3 12, 4 6 24, 2 1 2, 3 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3। एलसीएम क्या आया, 4 2 8, 3 24। एलसीएम आपका क्या आ गया बेटा, 24। ओके, एलसीएम आपका क्या हो गया, 24। अब इस एलसीएम में डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर में क्या है, 24 है, तो डिनोमिनेटर से एलसीएम में, याद रखिएगा डिनोमिनेटर से एलसीएम में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो करिए डिनोमिनेटर 24, एलसीएम 24, 24 1 24। अब ये जो क्वेश्चन आया ना बेटा, इस क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर? तो न्यूमरेटर 6, डिनोमिनेटर 24, क्वेश्चन इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 6 1 6, 24 1 24। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा है कि
क्या करेंगे? सिक्स अपॉन 24, और दूसरा डिनोमिनेटर हमारा 12 है, 12 से 24 में डिवाइड करेंगे, 12 टू जा 24, क्वेश्चन 2, न्यूमरेटर 4, डिनोमिनेटर 12, क्वेश्चन 2, 2 से मल्टीप्लाई, आंसर इज 4 टू जा 8, 12 टू जा 24, देखिए 24, नेक्स्ट 3/8 डिनोमिनेटर में 8, 8 से डिवाइड कर दीजिए 24 को, 8 3 जा 24, अब इस 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, 3 ये डिनोमिनेटर क्या है, 3 है ना, तो ये 3 होगा, 3 3 9, 8 3 24, ओके बेटा क्लियर, चलिए ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 24, ये एक अनलाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया ना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कंपेयरिंग फ्रैक्शन। अब इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट, फ्रैक्शन को कंपेयर करना, जैसे आप नंबर को कंपेयर करते हो वैसे ही आप फ्रैक्शन को कंपेयर करोगे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए कंसीडर द फ्रैक्शन 3/8 डिपिक्टेड इन द गिवन फिगर। इस वाले फिगर में देखिए 3/8 है कि नहीं है, है तो वी ऑब्जर्व दैट अ फ्रैक्शन बिकम लार्जर देन न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड से फ्रॉम 3 to 6, दैट इज 6/8, और 6/8 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया 3/8 से। बोलिए जैसे हम बात करें बेटा, अगर एक इस वाले में देखिएगा 1 2 3 ही तो है, जो शेडेड पोर्शन है या जो कलर्ड पोर्शन है वो 3 है, बाकी कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 थे ना, 8 में 3 ही तो वो है, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6/8, तो बेटा इसमें कम है इसमें ज़्यादा है, तो ये फ्रैक्शन हमारा बिगर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे इस वाले में देखते हैं, इसमें तो एक ही कलर है, इस वाले में एक कलर है, तो ये स्मॉलर हो गया किससे, इस वाले से, ठीक है। इसमें 3 कलर है बट कितने, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, और कितने कलर्ड हैं 1, तो 1/8 को 3/8 से जब कंसीडर करेंगे तो 1/8 हमारा कम होगा। इस वाले में देखते हैं कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3, मतलब 16 पार्ट में डिवाइड है, कितना पार्ट कलर है 3 पार्ट कलर है, तो 3/16 जो होगा बेटा वो 3/8 से कम होगा, क्यों, क्योंकि क्या इसकी 3/8 कोई वैल्यू आ रही, नहीं आ रही है, तो ये हमारा हो गया क्लियर बेटा। इसी अकॉर्डिंग हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देख लीजिए कि अरेंज 1 and 2/3, 5/6, 1 and 3/4, 3/4 एंड 1 and 1/2 इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले ये जो फ्रैक्शंस हैं, कुछ हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है कुछ सिंपल फ्रैक्शन है, तो सभी फ्रैक्शन को आप क्या कर लीजिए, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए करते हैं, तो 1 and 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 and 2/3 को 3 1 3 और 2 5, 5/3 ये 5/6 है, ये 4 1 4 3 7, 7/6 सॉरी 7/4 ये 3/4 और ये 2 1 2 और 1 3 3/2। देखिए यहाँ जितने भी आपके क्या थे मिक्स फ्रैक्शन थे उसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो डिनोमिनेटर हैं इनका क्या कर लेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए 3 6 4 4 2, इनका जब हम एलसीएम लेंगे बेटा, तो यहाँ 2 बार 4 है ना, तो एक ही बार 4 ले लो कोई बात नहीं, 3 6 4 2 का जब आप एलसीएम निकालोगे, 3
सिक्स, फोर, फोर एंड टू थ्री, थ्री टू टू वन, थ्री वन जा, थ्री वन जा टू टू वन, टू से टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, टू जा ट्वेल्व। एलसीएम क्या आ गया बेटा? ट्वेल्व। एलसीएम क्या आ गया? ट्वेल्व आ गया। अब इस एलसीएम को क्या करना है हमें? डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। थ्री से ट्वेल्व में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, एलसीएम चेंजिंग फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, तो वी हैव, अब ये देखिए अनलाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में वही कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब लाइक फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करना हमने बताया था कि इससे डिवाइड करेंगे, थ्री फोर जा ट्वेल्व, अब फोर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फोर फाइव जा ट्वेंटी, अब फोर थ्री जा ट्वेल्व, सिक्स से ट्वेल्व में डिवाइड करिए, सिक्स टू जा ट्वेल्व, तो टू आया क्वेश्चन, टू से मल्टीप्लाई कर लीजिए, टू अपॉन, जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव अपॉन सिक्स में, तो टू फाइव जा टेन और टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू से सेवन अपॉन फोर में, टू सेवन जा फोर्टीन, टू फोर जा एट, टू थ्री जा सॉरी सेवन अपॉन फोर ना, फोर से ट्वेल्व में डिवाइड करिए, फोर से जब ट्वेल्व में डिवाइड करेंगे तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, थ्री टाइम में, और थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन है ना, और थ्री फोर जा, थ्री फोर जा ट्वेल्व, बोलिए थ्री फोर जा ट्वेल्व हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा इस वाले में, तो यहाँ पर भी बेटा क्या आएगा? थ्री ही आएगा क्वेश्चन, तो थ्री थ्री जा नाइन और थ्री फोर जा ट्वेल्व ही होगा। इस वाले में टू से ट्वेल्व में डिवाइड करेंगे तो टू सिक्स जा, सिक्स टाइम में जाएगा ना, तो सिक्स थ्री जा एटीन और सिक्स टू जा ट्वेल्व। देखिए डिनोमिनेटर मतलब सेम हो गया, मतलब ये जो आपका अनलाइक फ्रैक्शन था वो लाइक फ्रैक्शन में हो गया। अब असेंडिंग ऑर्डर आप जानते हैं, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? नाइन अपॉन ट्वेल्व है। तो आप क्या कर लीजिए, क्या करेंगे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या करेंगे आप भाई? असेंडिंग ऑर्डर में करना है ना आपको, बोलिए बोलिए, असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सही है भाई, फोर थ्री जा ट्वेल्व, थ्री थ्री जा है ना, चलिए नाइन अपॉन ट्वेल्व ठीक है, और यहाँ पे बोलिए नेक्स्ट टेन अपॉन ट्वेल्व, नेक्स्ट एटीन अपॉन ट्वेल्व, नेक्स्ट ट्वेंटी अपॉन ट्वेल्व, नेक्स्ट आपका क्या आएगा बताइए, नेक्स्ट आपका क्या आएगा? ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेल्व। ओके बेटा, तो अब देखिए आपने इसे नाइन टेन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन असेंडिंग ऑर्डर में डिवा कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया ना। चलिए तो इतना क्लियर हो गया बेटा, अब हम लोग चलते हैं परसेंटेज पे। देखिए परसेंटेज मतलब क्या होता है? अ परसेंट इज अ फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज हंड्रेड, जिसका डिनोमिनेटर बेटा क्या होगा? हमेशा हंड्रेड ही होगा। व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इज द परसेंट फ्रॉम, तो इट इज कॉल्ड परसेंटेज। परसेंट पर मतलब क्या? प्रति होता है, मालूम होगा। सेंट मतलब हंड्रेड ठीक है। इज कॉल्ड परसेंटेज, परसेंट इज यूज टू क्वांटिफाई मेजर, व्हेन द होल इज हंड्रेड द सिंबल परसेंट इज यूज टू रिप्रेजेंट परसेंट, जैसे हेंस 85%। अब 85% का मतलब, इस परसेंट का मतलब जो यहाँ पे एक साइन लगा हुआ है बेटा, वो किस चीज़ का है? परसेंट का है। इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं? देखिए इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं, 85% को हम लोग क्या कर सकते हैं? 85 अपॉन 100 कर सकते हैं। बोलिए क्यों? क्लियर। 32% ऑफ 500 मार्क्स, मतलब 32% ऑफ 500 मार्क्स
तो मार्क्स आपके 500 हैं, 32% ऑफ 500, 32% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 500। बस सिंपल है, सॉल्व कर लीजिएगा इसे भाई। 100 से आप क्या करेंगे, 500 में डिवाइड कर देंगे, बोलिए कर देंगे, तो 100 5 जा और 32 से आप 5 में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 160 आ जाएगा। यही आपका परसेंट है, क्लियर। और एक देख लीजिए, 15% ऑफ 20 किलोग्राम, 15% का मतलब 15/100। जब भी परसेंट आए उसे आप क्या करिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज हटा के डिनोमिनेटर में 100 कर दीजिए, क्लियर। मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 से, ठीक है। तो अब देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 12, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3, क्लियर बेटा। उसी अकॉर्डिंग ये भी है। नेक्स्ट आपका है रिप्रेजेंट 38% एज फ्रैक्शन। तो 38% एज फ्रैक्शन, जैसे कि हमने बताया था, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज हटा के डिनोमिनेटर में 100 कर लीजिए। 38/100 को आप लोवेस्ट टर्म में लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ 0, यहाँ पे 8, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 9 जा, और ये आपका आ जाएगा, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं रेशियो की। किस चीज़ की बेटा, रेशियो की। तो आ रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ द न्यूमरेटर एंड द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। जैसे हम बात करें बेटा कि जो ये क्या करता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू दिखाता है। जैसे 19/50 जो डिवाइड में है ना, तो 19:50 भी हम लिख सकते हैं, मतलब इस वाले की जो वैल्यू होगी वो 19 होगी, इस वाले की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी, क्लियर बेटा। यही हमारा रेशियो है, और रेशियो का सिंबल बेटा हमेशा ये होते हैं, देख लीजिएगा, ये हमारा रेशियो का सिंबल होता है, देखा आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इट इज कंपैरिजन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, मतलब दो सिमिलर क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड से कंपेयर करते हैं। आर रेशियो इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स बट यूज द सिंबल रीड एज इज टू बिटवीन टू नंबर्स, है ना। जैसे इफ देयर आर 28 गर्ल्स एंड 30 बॉयज इन अ क्लास ऑफ 58 स्टूडेंट। देखिए बेटा, 58 स्टूडेंट की क्लास है जिसमें 20 गर्ल्स हैं एंड 30 बॉयज हैं, क्लियर बेटा। 20 गर्ल्स हैं, 30 बॉयज हैं, टोटल कितने हुए, 58 हो गए ना, बोलिए 58 हो गए। द नंबर ऑफ गर्ल्स एज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 58, नंबर ऑफ गर्ल्स 28, सॉल्व करेंगे 14/29, तो देयर इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 14/29, मतलब 14/29 क्या हो जाएगा, गर्ल्स का, और किससे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट से, बॉयज का टोटल स्टूडेंट से निकालेंगे, तो टोटल स्टूडेंट 58, नंबर ऑफ बॉयज 30, रेशियो निकालेंगे तो 15/29 हो जाएगा। रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ बॉय, तो अगर नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज का निकालना होगा तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 28 हैं, बॉयज 30 हैं, 28/30, सॉल्व करेंगे 14/15, ओके बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉय टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, भाई अगर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो जिससे कहे टोटल नंबर ऑफ, तो उसे हम नीचे कर देंगे, गर्ल्स नीचे बॉयज ऊपर, सॉल्व कर लेंगे 15/14। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या कर लेंगे इसको मिक्स में, 14/1 और 1/14, ओके बेटा। विच मीन दैट द नंबर ऑफ बॉयज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब बॉयज क्या है, ज़्यादा है गर्ल्स से, ओके तो चलिए बेटा ये आपका रेशियो भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 4.1 करना है। स्टूडेंट आज आप लोगों की क्लास बोर्ड पे नहीं चल पाई, बोर्ड पे चली होती तो और अच्छे से क्लियर होता, कोई बात नहीं, फिर भी कोई अगर डाउट होता है तो आप मिलिएगा हमसे डाउट क्लास में, ठीक है, वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ओके।